रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते और पैदा करने वाले से पालने वाला ज्यादा बड़ा होता है। ऐसे ही कुछ रिश्तों और क्राइम से घिरी इस स्टोरी का नाम है फोर ब्रदर्स, जो कहानी है ऐसे चार भाइयों की जिन्हें उनकी माँ ने सालों तक क्राइम से दूर रखा। पर जब उसी माँ का एक रात को मर्डर हो जाता है, तब ये चारों भाई वापस उसी दुनिया की तरफ चल पड़ते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे, इस चैनल के लिए हर सिंगल सब्सक्राइबर बेहद मैटर करता है, तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू होती है मिशिगन के डेट्रॉइट शहर में, जहां एक सर्द रात में एवेलिन मर्सर नाम की एक ओल्ड लेडी कुछ सामान लेने एक ग्रॉसरी स्टोर में आती है। तभी उसे शॉपलिफ्टिंग करता हुआ एक छोटा बच्चा मिलता है, जिसे वो चोरी करने के लिए गुस्सा करती है और समझा के घर भेज देती है। उस बच्चे के स्टोर से जाते ही दो मास्क गनमैन स्टोर में घुस आते हैं और कैशियर से पैसे मांगते हैं, और पैसे मिलते ही उसे शूट कर देते हैं। और ये सब देख के एवेलिन छुप जाती है, पर उनका किसी भी विटनेस को जिंदा छोड़ने का प्लान नहीं होता, इसलिए वो एवेलिन को भी शूट कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। एवेलिन की डेथ के बाद उसकी फ्यूनरल के लिए उसके बेटे सालों बाद डेट्रॉइट शहर वापस आते हैं। एवेलिन के चार बेटे होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा होता है बॉबी, जिसका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है और जो अपने टाइम का एक अच्छा हॉकी प्लेयर हुआ करता था। नंबर टू पे होता है जेरेमाया उर्फ जेरी, जो डिट्रॉइट में ही एक यूनियन लीडर है और कंस्ट्रक्शन कंपनी का ओनर होता है। उसकी बीवी और दो बच्चे होते हैं। नंबर थ्री पे होता है एंजल, जो आर्मी से निकाल दिया गया है और अब जॉब ढूंढ रहा होता है। और इनमें सबसे यंग नंबर फोर पे होता है जैक, जो एक रॉक बैंड का लीड सिंगर होता है। एवेलिन की फ्यूनरल में बेहद लोग आते हैं, स्पेशली वो बच्चे जिनकी लाइफ एवेलिन की वजह से बेटर हुई। एवेलिन के घर के बाहर दो पुलिस वाले गाड़ी में बैठे होते हैं, जिनका नाम होता है ऑफिसर ग्रीन और ऑफिसर फाउलर। ऑफिसर ग्रीन फाउलर को बताता है कि एवेलिन एक बेहद ही रिस्पेक्टेबल और हेल्पिंग लेडी थी, जिसने ना जाने कितने अनाथ बच्चों की लाइफ चेंज कर दी। वो बताता है कि एवेलिन के अडॉप्टेड सारे फॉस्टर केयर के बच्चों में से केवल ये चारों ही किसी फैमिली में नहीं अपनाए गए, क्योंकि ये चारों बेहद ही रेबेलियस और वायलेंट नेचर के थे। पर एवेलिन ने खून का रिश्ता ना होने के बाद भी इन्हें सगे बेटों की तरह पाला और क्राइम से दूर रखा। ऑफिसर ग्रीन बॉबी और जैक से मिलता है और एवेलिन की डेथ का अफसोस करता है। वो कहता है कि उनकी माँ रॉबरी में हुए शूटआउट का शिकार हुई हैं और हम जल्द ही उन दोनों चोरों को ढूंढ निकालेंगे, जिस पे बॉबी उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो जानता है कि इस शहर की पुलिस कितनी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए ये काम वो खुद ही कर लेगा। जिस पे ऑफिसर ग्रीन उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में ना घुसने के लिए वार्न करता है। अंदर से जेरेमाया की वाइफ उसे कहती है कि जब तक उसके भाई शहर में है, तब तक वो प्लीज उनसे दूर रहे। फ्यूनरल सर्विस खत्म होने के बाद तीनों भाई अपनी माँ के खाली घर में वापस आते हैं, जहाँ उनका चौथा भाई एंजल उनका वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि उसकी फ्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए वो फ्यूनरल पे नहीं पहुंच पाया। चारों भाई सालों बाद एक दूसरे से मिलके बेहद खुश होते हैं, पर उस घर में अपनी माँ की एब्सेंस उन्हें बेहद तंग करती है। चारों रेस्ट करने का ट्राई करते हैं, पर और ज्यादा सैड फील करने लगते हैं। फाइनली वो साथ में अपनी माँ के लिए प्रे करते हैं और लंच करने बैठते हैं, पर अपनी माँ की खाली चेयर उन सबको उनके साथ अपने बचपन की याद दिला रही होती है। इसलिए बॉबी सबको बाहर ले जाता है, जहाँ वो सर्दी में आइस हॉकी खेलते हैं। इसी बीच एंजल अपनी सालों पुरानी गर्लफ्रेंड को अपने घर ले आता है, जिसपे बाकी तीनों उसका मजाक उड़ाते हैं। जेरी उन तीनों को दिखाता है कि डिट्रॉइट कितना बदल गया है। वो उन्हें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाता है, जो उसका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, पर गवर्नमेंट ने अभी उस प्रोजेक्ट पे से लगा दिया होता है। इसके बाद ये चारों अपने फेवरेट बार में जाकर ड्रिंक करते हैं, जहां का बार ओनर उन्हें सालों बाद देख के खुश होता है और बताता है कि हो सकता है कि उनकी माँ की शूटिंग के पीछे एक गैंग का हाथ हो। बॉबी उससे गैंग के बारे में पूछता है, जिसपे वो उसे एक ड्रग डीलर का नाम बताता है, पर जेरी उन्हें कुछ भी सुपेट करने को मना करता है और अपने घर चला जाता है। जेरी के जाते ही वो तीनों गन्स और पेट्रोल लेके उस ड्रग डीलर की पार्टी में घुस जाते हैं और कहते हैं कि अगर तूने उन शूटर्स के बारे में नहीं बताया
तो हम तुझे जिंदा जलाएंगे। वो लड़का उन्हें कहता है कि तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है, क्योंकि पुलिस के अकॉर्डिंग उस स्टोर के सामने लड़के 11 बजे तक बास्केटबॉल खेल रहे थे, जिन्होंने दो शूटर्स को भागते देखा था, पर वहाँ की सारी लाइट्स तो 10 बजे ही ऑफ हो जाती हैं। बॉबी को यकीन नहीं होता, इसलिए वो उस लड़के को स्टोर के सामने ले जाता है, और जब 10:05 पे भी कोर्ट की लाइट जलती दिखती है तब बॉबी उसे मानने लगता है। पर कुछ ही सेकेंड्स में वहाँ की सारी लाइट सच में ऑफ हो जाती हैं और वो समझ जाते हैं कि पुलिस वाले उनकी माँ के केस में कुछ छुपा रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कोई उनकी माँ को क्यों मारना चाहेगा, इसलिए वो उस ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं जहाँ उस स्टोर का ओनर उन्हें उस रात की CCTV फुटेज दिखाता है। फुटेज में वो देखते हैं कि कैशियर को मार के पैसे मिलने के बाद भी वो दोनों शूटर्स एवलिन के पास आते हैं और उसे मार के ही स्टोर से बाहर निकलते हैं। अपनी माँ की जिंदगी के आखिरी मोमेंट्स देख के सारे भाई रो पड़ते हैं, पर स्टोर जाके उन्हें ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि ये कोई आम रॉबरी नहीं बल्कि उनकी माँ का एक प्लान मर्डर था, और अब वो उन शूटर्स को ढूंढ लगते हैं। स्टोर ओनर से उन्हें पता चलता है कि एक लंबा गन कैरी करने वाला बास्केटबॉल प्लेयर जिसके पास कई डॉग्स हैं, उससे पुलिस ने कई बार पूछताछ करी थी और हो सकता है कि वो कुछ जानता हो। बॉबी पास ही के स्कूल में हो रहे एक बास्केटबॉल मैच में घुस जाता है और गन दिखा के उस लड़के के बारे में पूछता है। तभी जैक देखता है कि एक लड़का वहाँ से भाग रहा है और उसका पीछा करता है, और चारों भाई उस लड़के से उस प्लेयर के बारे में पूछते हैं। वो लड़का उन्हें उस डॉग ओनर तक पहुँचा देता है, पर उन्हें देख के वो आदमी भागने लगता है। बॉबी जैसे ही उस आदमी के अपार्टमेंट तक आता है, उसके डॉग्स बॉबी पर अटैक कर देते हैं, पर एंजल उसे बचाता है। वो आदमी खिड़की के थ्रू भागने का ट्राई करता है और बॉबी उसकी रोप काट देता है और वो नीचे गिरने से बुरी तरह इंजर्ड होता है। तीनों भाई उससे उन शूटर्स के नाम पूछते हैं, पर उसके मना करने पर उसे सर्दी में टूटी हड्डियों के साथ छोड़ के जाने लगते हैं, जिस पे वो उन्हें एम्बुलेंस बुलाने के बदले में उन दोनों शूटर्स का नाम बता देता है। वो उसके बताए हुए क्लब में उन दोनों को ढूंढने जाते हैं, पर वो दोनों शूटर्स उन्हें देख के अलर्ट हो जाते हैं और उन पर फायर करते हैं। गोली की आवाज़ से क्लब में भगदड़ मच जाती है और वो दोनों क्लब से बाहर आके अपनी कार में वहाँ से भाग जाते हैं। तीनों भाई भी अपनी कार लेके बर्फ से भरी उन रोड्स पे उनका पीछा करते हैं। बेहद ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से वो कार को स्पीड में नहीं चला पा रहे होते, तभी वो दोनों इनकी कार पे शूट करते हैं। एंजल भी अपनी कार से उन दोनों पे गोलियां चलाता है और उन्हें डिसबैलेंस कर देता है, पर ये कार चेस बेहद लंबी चलती है और इन द एंड बॉबी उनकी कार को साइड से हिट करता है और उनकी कार पलट जाती है। कार रुकते ही बॉबी और एंजल उतर के उनके पास जाते हैं और जैक को दूर खड़े रहने को बोलते हैं। मार खाने के बाद भी जब वो एवलिन को मारने का रीज़न नहीं बताते, तब एंजल और बॉबी उनकी जेब से उनका वॉलेट लेके उन्हें गोली मार देते हैं और वापस घर आ जाते हैं। अगली सुबह पुलिस को उन शूटर्स की कार और डेड बॉडीज मिलती हैं, और ऑफिसर ग्रीन और फाउलर का पहला शक मर्सर ब्रदर्स पे ही जाता है, इसीलिए वो उनके घर आते हैं। बॉबी बेहद कामली उन्हें कहता है कि वो तो कल रात अपने घर में ही था, और पुलिस वालों से पूछता है कि दो कॉन्ट्रैक्ट किलर का उनकी माँ से क्या लेना देना हो सकता है। ऑफिसर फाउलर उन्हें फिर से इस इन्वेस्टिगेशन से दूर रहने को कहता है, जिसके बाद उसकी और एंजल की बहस हो जाती है, और उन्हें रोक के ऑफिसर ग्रीन बॉबी को वार्न करता है कि अगर वो लॉ को अपने हाथ में ना ले तो ही अच्छा होगा। नेक्स्ट सीन में डिट्रॉइट शहर का सबसे बड़ा गुंडा और गैंग लीडर विक्टर स्वीट अपने आदमियों के डिनर को इंटरप्ट करता है और उन्हें उस बुरी औरत को मारने के लिए लोकल शूटर्स हायर करने के लिए गालियाँ देता है, क्योंकि अब पुलिस उन शूटर्स की मौत को भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। उसका एक गैंग मेंबर इवन जब खाना खा रहा होता है तब ग्रीन उसे उसकी बात ना सुनने के लिए अब्यूज करता है और उसकी प्लेट ज़मीन पे फेंक के कहता है कि अब ज़मीन से उठा के एक कुत्ते की तरह खा। इवन बेहद शर्मिंदा होता है, पर गैंग में सबको पता होता है कि विक्टर स्वीट एक सनकी इंसान है। जब इवन की वाइफ कुछ बोलने की कोशिश करती है तब विक्टर उसे भी इवन के साथ ज़मीन से उठा के खाने को बोलता है। दरअसल विक्टर के गुस्से और ख़राब बिहेवियर से उसके बाकी सभी गैंग मेंबर्स भी डरते हैं और उसकी हर बात से हाँ में हाँ मिलाते हैं, यहाँ तक कि जानबूझ के कार्ड गेम्स भी हारते हैं ताकि विक्टर उन्हें शूट ना कर दे।
बॉबी और एंजल ने जिन शूटर्स को मारा था उन्हें उनके वॉलेट से उनका एड्रेस मिलता है और वो उस एड्रेस पे जाते हैं, पर एंजल और उसकी गर्लफ्रेंड की लड़ाई हो जाती है और वो घर पे ही रुक जाता है। बॉबी जैक को लेके उन मरे हुए शूटर्स के घर जाता है जहां उन्हें कई सारे हथियार और एक कैमरा मिलता है जिसमें उनकी माँ की फोटोज होती हैं, जिसका मतलब होता है कि वो शूटर्स कई दिनों से उनकी माँ को फॉलो कर रहे थे। घर पे एक आदमी एंजल से उसकी माँ की इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करने आता है जिसके बारे में एंजल को कुछ पता नहीं होता। वो आदमी कहता है कि इवलिन ने एक पॉलिसी कराई थी जिसका नॉमिनी उनका भाई जेरी है और उस पॉलिसी का अमाउंट है $4,00,000। एंजल को लगता है कि उनका भाई उन तीनों से कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो जेरी के कुछ दोस्तों से उसके बारे में पूछताछ करता है। एंजल को पता चलता है कि जेरी का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डगलस नाम के एक पॉलिटिशियन ने रुकवा दिया है और अब जेरी पे काफ़ी कर्जा है। एंजल ये सारी बातें बॉबी और जैक से शेयर करता है और वो दोनों उस पॉलिटिशियन को डरा के उस आदमी का नाम पूछते हैं जिसके कहने पे उसने जेरी का प्रोजेक्ट रुकवा दिया। वो बताता है कि विक्टर स्वीट के कहने पे उसने जेरी का प्रोजेक्ट पे सेल लगाया है। उधर एंजल अपने भाई जेरी को एक बैंक तक फॉलो करता है जहाँ जेरी अपनी माँ की पॉलिसी से मिले चेक को क्लियर करवाता है और कुछ पैसे विड्रॉ करके एक बॉलिंग एली में आ जाता है। एंजल बॉबी और जैक को भी वहाँ बुला लेता है और वो तीनों जेरी को विक्टर स्वीट के आदमी इवन को पैसे का पैकेट देते हुए देखते हैं और तुरंत समझ जाते हैं कि जेरी विक्टर स्वीट और उसके आदमियों को जानता है। जेरी के जाते ही तीनों भाई इवन से वो पैसे छीन लेते हैं और इवन उन्हें समझाता है कि वो नहीं जानते कि वो किससे उलझ रहे हैं। उधर ऑफिसर ग्रीन इवलिन के लॉयर से मिलता है और किसी पॉसिबल सस्पेक्ट के बारे में पूछता है। वो लॉयर कहता है कि इवलिन ने खुद पुलिस स्टेशन जाके एक रिपोर्ट लिखवाई थी कि कुछ लोग उसके बेटे जेरी से उसका बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। ग्रीन शॉक होता है क्योंकि पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं होती। वो स्टेशन के CCTV कैमरास चेक करता है और देखता है कि ऑफिसर फाउलर ने एवलिन से 1 घंटे बात की थी लेकिन उसने कभी किसी को उस कॉन्वर्जेशन के बारे में नहीं बताया और वो समझ जाता है कि फाउलर ही डिपार्टमेंट में विक्टर का खबरी है। उधर डगलस विक्टर को बताता है कि बॉबी मर्सर नाम का एक आदमी उसके बारे में काफ़ी पूछताछ कर रहा है और विक्टर कहता है कि उस बूढ़ी औरत की तरह उसके बेटों को भी जल्दी ख़त्म करो। तीनों भाई जेरी से अब बेहद गुस्से में होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनकी माँ के मर्डर के बारे में जेरी कुछ छुपा रहा है। वो जेरी को मिलने के लिए बुलाते हैं जहाँ बॉबी उससे लड़ पड़ता है और इंश्योरेंस पॉलिसी और विक्टर स्वीट के बारे में सब बताने को बोलता है। पॉलिसी की बात सुनकर जेरी भी उनसे लड़ता है और बताता है कि पॉलिसी माँ ने मेरी 2 बेटियों के लिए कराई थी जिसका प्रीमियम मैं ही देता था। वो उन तीनों पे उस पर शक करने के लिए बेहद गुस्सा होता है और कहता है कि वो तीनों तो ये शहर छोड़ के गायब हो गए थे जबकि माँ के साथ सिर्फ मैं ही था और मैंने ही उनके सारे बिल्स भरे। जेरी बताता है कि उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है बल्कि विक्टर स्वीट ने उस पॉलिटिशियन को बोल के उसका प्रोजेक्ट रुकवा दिया था क्योंकि उसने शहर में सबकी तरह विक्टर को पे नहीं किया। वो कहता है कि अब इंश्योरेंस के कुछ पैसों से वो विक्टर को पे करेगा ताकि विक्टर उसका कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने दे। जब सारे भाई ये बात कर रहे होते हैं तभी एक आदमी उनके गेट पे नॉक करके जाने लगता है और जैक जब बाहर जाता है तब उसे गाली देके उसके मुंह पे एक स्नोबॉल मारता है। जैक गुस्से में जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ता है वो मास्क आदमी जैक को चेस्ट में शूट करता है। गोली की आवाज़ सुन के तीनों भाई बाहर आते हैं और बॉबी उस मास्क वाले आदमी को गोली मारता है, पर वो लोग नंबर में बेहद ज़्यादा होते हैं और सब पे फायरिंग शुरू कर देते हैं और सब खुद को गोलियों से बचाने के लिए कवर लेते हैं। जैक को और गोलियां लगती हैं और वो हेल्प के लिए चिल्लाता रहता है पर लगातार होती शूटिंग में कोई भी बाहर नहीं आ पा रहा होता। बेहद मुश्किल से बॉबी और एंजल उन आदमियों को एक एक करके मार गिराते हैं और उनमें से लास्ट बचा आदमी भागने लगता है और बॉबी को वैन से कुचलने वाला होता है जब जेरी अपनी कार से उस वैन को टक्कर मारता है। फाइनली वो तीनों जैक के पास पहुंचते हैं पर इतनी ब्लीडिंग की वजह से जैक दम तोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहां आ जाती है और डिटेक्टिव ग्रीन उनसे माफ़ी मांगता है। वो जेरी को बताता है कि इवलिन को पता चल गया था कि तुझसे विक्टर के गैंग वाले पैसे मांग रहे हैं, इसलिए वो पुलिस स्टेशन गई थी, पर
करप्ट फाउलर ने पुलिस की जगह ये खबर विक्टर स्वीट को दे दी, इसलिए उसने एवलिन को मरवा दिया। उसी शाम को ऑफिसर ग्रीन अपने करप्ट पार्टनर फाउलर से जाके मिलता है और उसे पीटता है और उसका गन और बैज भी ले लेता है। पर फाउलर के पास एक इलीगल गन भी होती है और वो ग्रीन को शूट कर देता है और पुलिस रेडियो पे ये कह देता है कि कुछ गैंगस्टर्स ऑफिसर ग्रीन को मार के भागे हैं। जैक और ऑफिसर ग्रीन की फ्यूनरल एक ही दिन होती है और तीनों भाई ये समझ जाते हैं कि वो विक्टर स्वीट से नहीं जीत सकते क्योंकि उसके पास पुलिस और गुंडे दोनों का ही पावर है। पर बॉबी हार मानने से मना कर देता है और अपने भाई और माँ का बदला लेने के लिए वो तीनों मिलके एक रिस्की प्लान बनाते हैं। जेरी विक्टर के आदमी से एक मीटिंग फिक्स करने को कहता है और उसे अपने इंश्योरेंस का सारा पैसा $4,00,000 देके अपनी और अपने बच्चे दोनों भाइयों को जिंदा छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है और विक्टर इस मीटिंग के लिए मान जाता है। एंजल एक बच्चे को अपना डिस्ट्रैक्शन बना के ऑफिसर फाउलर के घर में घुस जाता है और उसे बंदी बना के बॉबी को फोन करता है और बॉबी के सिग्नल पे जेरी विक्टर के आदमियों के साथ पैसों से भरा बैग लेके विक्टर से मीटिंग के लिए निकल पड़ता है जो एक जमी हुई लेक के ऊपर होती है। उधर एंजल की गर्लफ्रेंड पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक पुलिस वाले का मर्डर करने वाला है और पुलिस टीम तुरंत ही फाउलर के घर के लिए निकल पड़ती है। ऑफिसर फाउलर एंजल से उसकी माँ को फ्रेम करने और ऑफिसर ग्रीन को मारने की बात को कबूल करता है और पुलिस सायरन सुन के कहता है कि अब तू भी मरने ही वाला है, जिस पे एंजल उसे बताता है कि उसने ये सारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली है और पुलिस दरअसल तुझे लेने आई है, जिस पे फाउलर एंजल पे हावी होके उसकी गन छीन लेता है और अरेस्ट से बचने के लिए एंजल को होस्टेज बना लेता है। वो बाहर खड़े पुलिस वालों की बात नहीं सुनता और उन पर फायर करता है, जिस पे पुलिस उसे जवाबी फायरिंग में मार गिराती है। अब जेरी विक्टर के आदमियों के साथ उसी जमी हुई लेक पे उसके आने का वेट कर रहा होता है जहां विक्टर के आदमी बर्फ में एक गड्ढा खोद रहे होते हैं। फाइनली विक्टर स्वीट वहां आ जाता है और जेरी से कहता है कि तुझे पहले ही मुझे पिक कर देना चाहिए था तो शायद वो बुढ़िया बच जाती, और जेरी उसे अपनी माँ की इंसल्ट करने के लिए गाली देता है। विक्टर अपने आदमियों से उसे मारने के लिए पिस्टल मांगता है पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। दरअसल उसके आदमी उसकी घटिया बिहेवियर से अब थक चुके होते हैं और जेरी से पैसे लेके उन्होंने विक्टर को यहाँ मारने का प्लान कर लिया होता है। विक्टर कहता है कि उसने फाउलर को इस मीटिंग के बारे में पहले ही बता दिया था और अगर उसे कुछ हुआ तो पुलिस तुम पे ही डाउट करेगी, जिस पे जेरी उसे बताता है कि फाउलर अब उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। फाइनली विक्टर सबसे पूछता है कि तुम में से वो कौन है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत रखता है, और सब चुप हो जाते हैं और तभी दूर से बॉबी बर्फ में चलते हुए उनकी तरफ आता है। विक्टर बॉबी को चैलेंज करता है और बॉबी विक्टर पे भारी पड़ता है और उसे तबीयत से धोता है, और जब विक्टर हार के नीचे गिर जाता है तब उसके आदमी उसे उस होल में जमने के लिए फेंक देते हैं। कुछ घंटों के बाद पुलिस तीनों भाइयों से विक्टर के मर्डर में पूछताछ करती है पर लगातार मार खाने के बाद भी कोई उन्हें कुछ नहीं बताता और पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि तीनों भाई शूटिंग के बाद अपना घर रिपेयर करते हैं और अपनी माँ और जैक को याद करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एक और क्राइम ड्रामा मूवी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करना, और रोमांटिक मूवीज अगर आपको पसंद है तो प्लीज क्लिक ऑन राइट। स्टे सेफ एंड बाय बाय।